lovely atoms, hello my bacha log. I hope all of you are in a very good health and अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, बहुत अच्छी हेल्थ में हो और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि वेदांतु है तो किस बात का डर है. इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई जा रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री का सिलेबस ना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है टर्म वन का. आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होगी. तो आज अनुभा मैम आपके सामने क्या लेकर आई है और आज हम करने क्या वाले हैं, एक बार जरा सुन ले ध्यान से. आज का देखो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के करीब है. एंड मेरे दिल के क्यों, क्योंकि अनुभा मैम भी कभी स्टूडेंट थी. सेम विद यू ऑल, आई थिंक आप लोग भी इसे रिलेट कर पाओगे. बट जल्दी से अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा है, वन ऑफ द वेरी यू नो गुड शो. आज हम बात करेंगे कि कोटा फैक्ट्री जैसे वेब सीरीज से क्या आप सीख सकते हो, बिकॉज दैट वॉज नॉट जस्ट अ वेब सीरीज, है ना. इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग एंटरटेनमेंट हियर, इट वॉज वे मोर देन दैट. ट्रस्ट मी, इट वॉज वे मोर देन दैट, के उसमें इतने सारे लाइफ के लेसन छुपे हैं अगर आप उसको सिर्फ उस ढंग से ना देखें तो, एंटरटेनमेंट के ढंग से. और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में, जो मैंने फील किए, फेस किए और आप सब लोगों के सामने में लेके आने वाली हूँ. That I could relate to the same, all of the experiences and all of the feedback they had shared, जो students को face होते हैं, trust me वो आप लोग भी face कर रहे होंगे. तो let's see उसमें से क्या क्या हम निकाल के सीख सकते हैं, right? So मैं हूँ अनुभा गौर, your chemistry master teacher at Vedantu. Just listen to me for approximately 20-25 minutes और बहुत सारा ज्ञान आज लेके आप जाओगे. मुझे लगता है आपको मेरा ज्ञान देना ज्यादा पसंद नहीं आता, बट फिर भी मैं दिल से कोशिश करूंगी आपको समझाने के और अपने अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट करके बताने की कि क्या आप लोगों ने भी ऐसा फेस किया है. बट अभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ये सीजन देखा है, आपने ये कोटा फैक्ट्री देखा है और व्हाट ऑल आर योर टेक अवे फ्रॉम दैट वेब सीरीज, आप लोगों ने क्या क्या सीखा उससे, ठीक है. I'll talk about myself. So I have to say really very warm welcome to all my Atoms Army. Hashtag Atoms Army OP, as I always say. और क्या कहना है आपको, पता ही है वेदांतु के चैनल पे आप आए हैं, स्वागत तो हम कर ही रहे हैं. What if you can know AG ma'am better? What if you can know your Anubha Gaur ma'am better? उसके लिए you can definitely follow me on Insta. My Insta handle is there in front of you. ये दोनों मेरी one of the favorite video भी हैं. चाय पे सवाल जवाब, you ask I'll answer. मैंने आपके बहुत सारे important questions का answer दिया था. और हम भी कभी बच्चे थे, जिसमें आपको सारे teachers की जो बच्चा side है वो देखने को मिलेगी. You can see those videos and can follow me on Insta. ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा. इट्स जस्ट योर वे टू शावर योर लव टुवर्ड्स अस, कि आप लोग भी हमारे को उतना ही प्यार एंड इज्जत देते हैं जितना प्यार हम लोग आप लोगों से करते हैं, जितना हम आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि क्या बच्चों के लिए नया लाया जाए, दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता चले कि मैम ने बताया था क्या क्या सीख सकते हैं इस सीरीज से. एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज इफ यू डू सो एक ही चैनल पे सारे के सारे सिक्स सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए भी जाएंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी जाएगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी दी जाएगी रिगार्डिंग योर एग्जाम्स एंड ऑल, और सारी क्या मोटिवेशन भी मिलेगी यहाँ से. ऑल राइट, तो बहुत कुछ है सीखने को. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. बट आई थिंक कि आप जीतू भैया वैभव और उसके दोस्तों के साथ आप क्या क्या सीख सकते हो, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. राइट, तो हाई फाइव दे दो मुझे, एजी मैम के लिए हाई फाई तो बनता है. और एज आई से ऑलवेज, गोल्डन हार्ट का है मेरा एजी मैम के लिए. या ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये तो मेरा फेवरेट डायलॉग है, और मेरा फेवरेट डायलॉग क्यों है, बिकॉज एवरीवन हैड देयर ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स, सो डू आई. अगर मैं सच्ची बताऊं, वेदांतु ज्वाइन करने से पहले ना आई हैव पुट ऑन सम वेट और आई वाज यू नो काइंड ऑफ फीलिंग सो लेजी, और हर टाइम ऐसा लगता था क्या, तो यू नो वो वाली स्टेज आ गई थी. एंड हर बार ये सोचना था यार एक्सरसाइज करेंगे, एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट गेनिंग वेट, वो आपकी लाइफ में कोई भी हर्डल हो सकता है, ठीक है. बींग फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी सिंपल थिंग. जितना आप फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उतना आप
कोई भी काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा एनर्जी रहती है आपकी बॉडी में करने के लिए, ज्यादा एक्टिव रहते हैं. तो आई हैड माई ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स. देन वन डे आई जस्ट सॉ वन ऑफ माई पिक्चर एंड आई रियलाइज्ड अब बहुत हो गया, अब कुछ किया जाए. तो मैंने ये वाली बात ध्यान से सुनी. इट्स नॉट लाइक कि उस टाइम पे कोटा फैक्ट्री आया था, जस्ट इवन आई हैव रियलाइज द सेम थिंग कि ना चलो इसको ना आदत बनाया जाए, रोज सुबह गर्म पानी पिए, एक्सरसाइज शुरू करें और थोड़ा अपना डाइट पे ध्यान दे. ठीक है, तो शुरू के 3-4 दिन आई फील सो रिलक्टेंट एंड ना मन भी नहीं करता करने का, एंड आई यूज टू हेट डूइंग एक्सरसाइजेस. बड़ा 4-5 दिन कोशिश की तो 2 दिन थोड़ा खराब लगा, लाइक क्यों करना है, बॉडी सारा दिन ऐसा रही. तीसरे दिन फिर ऐसे ही लगा. चौथे दिन थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि ना थोड़ा 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 जब आप करना शुरू करते हो तो आप चेंजेस फील करने लगते हो अपने अंदर. विद टाइम आई बिकेम वेरी मच कंफर्टेबल डूइंग सो. एंड 21 डेज के बाद अगर मैं संडेज को छोड़ो, अगर मैं इन जनरल एक्सरसाइज नहीं करती थी ना, मुझे कुछ खाली सा महसूस होता था अपनी लाइफ में, कि सुबह ना अपने आप मन करता था एक्सरसाइज करने का, बिकॉज मुझे पता है उससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाता था, मेरी एनर्जी अच्छी रहती थी. एंड सेम कोटा फैक्ट्री में हमारे जीतू भैया, जीतू सर ने भी बोला था कि 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है, तो यही करना है. अगर मान लो कोई, आप सोच रहे हो कि मेरी ना पढ़ाई में सिटिंग 1 घंटे से ज्यादा बनती नहीं है और मुझे पता है एग्जाम पास आ रहे, तो मुझे कम से कम 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो एज आई से 3 दिन 4 दिन 5 दिन रिलक्टेंट फील होगा और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी. सेम विद सम ऑफ द टफ सब्जेक्ट, आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा तो भी पढ़ो, 1 घंटे आदत बना लो कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है. सपोज सम ऑफ द स्टूडेंट्स से केमिस्ट्री नहीं पसंद, तो ये दिल से बुरा लगता है सुन के, बट सोचो तो करना क्या है, रोज 1 घंटा नहीं मन करे तो भी धीरे 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 कोशिश करो पढ़ने की, कि आज मैं आधा घंटा बैठने की अब कोशिश करता हूँ कि करती हूँ, अगले दिन 1 घंटा, ऐसे धीरे 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 कोशिश करो और अपने आप ना आपका मन करने लगेगा वो चीज करने को, क्योंकि कभी कभी हमें अपने दिल को मामू बनाना पड़ता है और थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ता है अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो ये करके देखो. मुझे ऐसा ना एग्जाम्स में भी फील होता था, जब एग्जाम लोगों को ना जनरली एग्जाम से डर लगता है, मेरे साथ उल्टा था, मुझे अच्छा लगता था एग्जाम्स देना. और 1 महीना पहले ऐसे ना पढ़ाई करना शुरू कर देते थे प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं थे, तो ना एग्जाम जब खत्म होते थे बाय द टाइम, क्योंकि वो आदत बन जाती थी पूरा दिन पढ़ने की, टाइम से खाना खाने की, सारा जब वो एग्जाम खत्म होते थे ना, तो लाइफ में ऐसा लगता था यार कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो अजीब क्यों हो रहा है, आज कुछ मिसिंग है लाइफ में. तो वो जो पढ़ने वाला टाइम है ना, वो बड़ा मिस करते थे. तो वही है डेवलपिंग हैबिट्स, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गुड हैबिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीतू भैया इन दिस इंटायर सीरीज टीचेस अस समहाउ के हाउ टू डेवलप हैबिट. टू डेवलप गुड हैबिट्स इट रिक्वायर कंसिस्टेंसी, करेज एंड डिसिप्लिन ऑन अ डेली बेसिस. एज आई से, जितने भी बड़े लोग हैं वो बड़े कैसे बने हैं, जस्ट बिकॉज दे वर मोर कंसिस्टेंट देन अस, दे वर मोर डिसिप्लिन्ड देन अस. तो डिसिप्लिन धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे. सो दिस इज मोर ऑफ लाइक अ की, और सोचो कि हम कर सकते हैं, आई हैव दैट करेज, और डिसिप्लिन धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा. दिस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, या दिस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. के 24 घंटे होते हैं तुम्हारे पास, मेरे पास, सबके पास, इवन अंबानी जी के पास, इवन बिल गेट्स के पास, XYZ, जेफ बेजोस, आपके जो हमारे मार्स पे लेके जा रहे हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, सबके सबकी अगर मैं बात करूं, तो व्हाट्स मेकिंग ऑल ऑफ अस डिफरेंट, कि हम कितने अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितने डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट है लाइफ में, या एंड दूसरी बात विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओपरा विनफ्रे ने भी कही थी, अ मेंटर इज समवन हु अलाउज यू टू सी द होप इनसाइड योर सेल्फ. एंड वैसे ही मेंटर हमारे जीतू सर, जीतू भैया थे वैभव के लिए. देखा है ना कि वो बार बार उसको ऐसे ट्रीट करते हैं दैट इज मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंड, और उसके हिसाब से उसको गाइडेंस देते हैं, उसकी जगह रखे. ये नहीं कि हाँ पूरा ऐसा ऐसा वाला गुरु बन जाना है कि हाँ बस पढ़ाया काम खत्म. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू फेस दिस इश्यू, सो डिड आई, के टीचर्स तो बहुत मिल जाते हैं बट मेंटर मिलना बहुत मुश्किल होता है, एक प्रॉपर पर्सन जो हमें गाइड कर सके, राइट. तो जीतू भैया ने भी यही हेल्प की थी ना उसकी, वैभव की, के जब हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें जो IIT का होता है, ही ऑल्सो सेड के 15 लाख बच्चे हर साल एंट्रेंस एग्जाम में देते हैं, तो
सबके लाइफ में डिफरेंट क्या होता है, पढ़ाई तो सब कुछ करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को वो मेंटर मिलते हैं जो उनको प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं, जो उनको बता देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ना 10th के बाद, क्योंकि आप 10th में एक रेस ही लग जाती है जेई के लिए जाने की, नीट के लिए जाने की, और इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो एक सिंबल बन जाता है कि सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। और एनीवे हमें ऐसा लगता है हम साइंस में थोड़े ठीक हैं तो कर ही लेते हैं, और फिर वो होड़ लग जाती है, और इस चक्कर में कभी कभी हम पहचान ही नहीं पाते कि हम एक्चुअल में चाहते क्या है, वो भेड़ चाल बन के रह जाती है, राइट? तो एक गाइड और एक मेंटर का होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट मी ऑल द टीचर्स ऑफ वेदांतु फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम टेलिंग, आप लोगों के लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से भी बेस्ट गाइडेंस दी जा सके, राइट? एंड कुछ और लेसन जो हमने सीखे हैं, दैट फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, कि ऐसा नहीं कि आपको लगे कि हाँ भाई ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, करना बहुत जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि आप उसकी वजह से डिप्रेस हो जाओ, जो आपके स्ट्रेंथ है ना उस पे और ज्यादा फोकस करो। कि मान लो जस्ट एन एग्जाम्पल, 5 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, और आपको लगता है कि ना मेरे को 4 तो आते हैं, बट एक कार्बन एंड कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है ना जो मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, और आप उसकी वजह से डिप्रेस होने लगते हो, और ऐसा लगता है कि हाँ यार हो ही नहीं रहा, अब तो मैं एग्जाम में फेल होऊंगा या फेल होऊंगी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे अपने आप पाइल अप होने रहते हैं। तो बस इतना ही है कि क्यों ना उन 4 जो चैप्टर है उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, इतने अच्छे से प्रिपेयर किया जाए कि तुम्हें पता है इसमें से तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लिए जाए। इन द सेम वे वैभव के साथ भी यही हो रहा था, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी, वो रट्टा मार रहा था एकदम एकदम एकदम, तब भी कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था। तो जीतू सर ने यही समझाया कि माना प्रॉब्लम आ सकती है, बट क्यों ना जो ये जो एकदम वीक है, जो एकदम बिल्कुल लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो बाकी सब पे उसको स्ट्रांग क्यों नहीं बना लेता, इससे इम्पोर्टेंट चीजें कर ले। एनीवे, जब एक प्रॉपरली सिस्टमाइज तरीके से कोई चीज करी जाती है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, ठीक है? सो इट्स जस्ट समथिंग दैट वी कुड टेक फ्रॉम दिस सीरीज व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। यू कांट कंप्लीटली लीव योर वीक सेक्शंस डेफिनेटली, बट डू फोकस मोर ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जो भी है उस पे ज्यादा ध्यान दो, कि कम से कम इसमें से तो आपको पूरा यकीन है तो नहीं होगा। एंड इट्स मोर अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स, मैं 10th की भी बात नहीं करूं, एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ये चीज काम करती है, चाहे वो ITJEE हो, चाहे बाद में जाके अगर आप रिसर्च फेलोशिप के एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको पता है कोई भी 100% सिलेबस नहीं करता, सब ऐसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं प्रॉपरली। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज जो हमें सीखने को मिली, दैट इज फ्रेंडशिप, एंड दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप, जो कितनी जरूरी है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत सारे लोगों के टच में अभी होंगे, अभी तो बहुत छोटे हो, आगे आगे भी कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि फ्रेंडशिप रियल में एग्जिस्ट करती है क्या, दोस्त सच में आपके दोस्त होते हैं या वो सेल्फिश होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, यार उल्टा भी होता होगा, कई बार लगते होंगे कि आपके दोस्तों के अलावा कोई आपको समझता नहीं है। जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि एक्सपीरियंसेस बहुत आएंगे लाइफ में, बट एक्चुअली में बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे दोस्त बन पाते हैं, और दोस्ती क्यों जरूरी है, वे ह्यूमन बीइंग, मतलब हमें वो टच चाहिए, हमें चाहिए कि हम किसी की कंपनी में सिक्योर फील कर सके और अपनी ट्रू सेल्फ को दिखा सके जैसे भी है। आई नो फ्रेंड्स मतलब पूरा ऐसे गाली वाली भी देते हैं, पूरा इतने अच्छे नामों से पुकारते हैं, थोड़ी टांग भी खींचते हैं, बट दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू कैन बी योर सेल्फ, एंड उसकी वजह से आपको बहुत पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करने को मिलता है। तो रिमेंबर, ट्रू फ्रेंडशिप इज डेफिनेटली प्राइसलेस, या यस। एंड वट इज दिस, सक्सेस लाइज आउटसाइड ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो जल्दी से बताओ, कोटा फैक्ट्री देखा है आपने? देखा है कि वैभव के साथ होता है कि विद टाइम उसको रियलाइज होता है कि कैसे अपने आप के ऊपर काम करके अच्छा बना जाए, और उसको महेश्वरी इंस्टीट्यूट से वो कॉल आ जाती है कि वो उसका हिस्सा बन सकता है, और उसको पता है कि वहां गया तो शायद IIT निकल ही जाए। तो बहुत मुश्किल डिसीजन था अपने मेंटर को पीछे छोड़ के जाना, अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ के जाना, और अपने उस एक प्रॉपर लाइफ जो उसने वहां सेटल कर ली थी उससे निकल के जाना। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल यू, इन जनरल आल्सो इट हैपेंस, सम टाइम वी डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। सोचो मुझे पता है कि मुझे आप लोगों की क्लास लेनी है ऑलमोस्ट 5 o'clock से 10 o'clock, ये मेरा लंच टाइम है, इससे पहले शायद मैं 1 hour की मीटिंग ले लूँ, एस सो एंड सो। अब मुझे सपोज कंपनी से पता चलता है कि आपको ना
2 to 3 hours की एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेनी है, बट दैट विल हेल्प यू आउट. मुझे पता है मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा, बट अंदर से ना वो थोड़ा रिपल्शन आती है कि हाँ मेरा जो चल रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, सेटल्ड हूँ, कौन इतना अपने आप को पुश करेगा. तो स्टूडेंट्स, जिंदगी में कुछ अच्छा चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो डेफिनेटली कभी कभी थोड़े हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ता है, तभी आप अपने गोल के और करीब पहुंच पाते हैं. सो प्लीज डू बिलीव इन दिस. जब भी लगे जिंदगी मुश्किल हो रही है तो सोचो आगे की जिंदगी उसी मुश्किलों की वजह से हसीन, अच्छी होने वाली है. राइट, दैट वी हैव टू सैक्रिफाइस टूडेज हैप्पीनेस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर. फिर कोई लोग बोलते हैं कि मैम यही तो है कि आज मैं खुश रहूं कल किसने देखा है. दैट्स टोटली ट्रू, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल के जिंदगी में खुश मत रहो, बिल्कुल खुश रहो. इट जस्ट समथिंग आई हैव टू से कि थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, तभी आपके कल के लिए वो समझ लो वो माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, कि अगर आप उन हर्डल्स को पार नहीं करोगे तो जो भी आपने अपना गोल मंजिल सेट किया उस पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. कि आज में आप इतने कंफर्टेबल हो गए हैं पूरा ऐसे कि मैम आज खुश है ना कल का देख लेंगे, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी मोर ऑफ लाइक बैलेंस्ड, ठीक है. तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और सोचो कि आपके कल के लिए जो भी आपको स्टेप्स उठाने हैं आप रेलेवेंट स्टेप्स जरूर उठाओ. या तो दैट्स इज समथिंग दैट वी टुक अवे फ्रॉम दिस एज वेल, कि वी कैन सी सैक्रिफाइस मेड बाय वेबर व्हेन ही गॉट अ चांस टू मूव महेश्वरी. इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर हिम. आई ऑलरेडी टोल्ड कि एक तरफ उसका पूरा सपना था कि उसको पता है कि आईटी में एडमिशन मिल जाएगा, दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मेंटर, हिज लव, ये तो आप लोगों के लाइफ में अभी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि you know this is the age where we feel a bit different and all those emotions, hormones came. But as I say, important aage aage aapko pata chalta hai ki bahut sari cheeze badal jati hai, but happiness important hai, so as making some adjustments and some sacrifices taki kal mein aapko koi aisa na bole ki aaj main kuch nahi kiya tha to kal acha kaise hoga, hai na. So be a fighter. The same thing that Jitu sir said to Weber, तो fighter student तो तू है ही आप, और एक teacher को सिर्फ उतना चाहिए होता है कि आप में वो you know वो spirit हो कि आप करना चाहते हो, आप अपने goals को achieve करना चाहते हो, आपको पता है कि क्या करना है, तो आपके teachers भी आपको उसी नजर से उतना ही support करेंगे जितना possible है. So this is something I really have to say. It's always seems impossible until it's done, है ना. तो अगर कोई ऐसे बोलते हैं ना, सपोज यू हैव अ ड्रीम कि आपको स्पेस में जाना है, एंड योर फ्रेंड्स आर लाइक हंसी उड़ाते हैं आपकी, हाँ ऐसा भी कोई करता है क्या, ऐसे ऐसे सपने कौन देखता है, पागल है क्या तू. आपको पता है सपने देख देख के, माझी मूवी आपने देखी होगी, किसी ने पहाड़ तोड़ दिया था, तो आपका सपना क्यों नहीं वैलिड है. तो इम्पॉसिबल लगेगा, बट जब आप उसके लिए सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इट कैन बी डन, इट्स टोटली पॉसिबल, एंड उसके लिए यू हैव टू से यस टू चेंज, है ना. जैसा मैंने बताया चेंज से ना बहुत रिपल्शन होती है, मैं चेंज कौन लाएगा यार, बट ग्रो करने के लिए चेंज लाना बहुत जरूरी है. तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और यस बोलना चेंज को बहुत जरूरी है इफ यू विश टू ग्रो. इफ यू विश टू ग्रो, कम ऑन, लेट्स हैव दिस एज अ हैशटैग, से यस टू चेंज. तो हैशटैग यस टू चेंज, कि मैम अगर करना पड़ेगा तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और डेफिनेटली प्रूव करके दिखाएंगे. यस, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाँ हम बिलीव करते हैं इन सब बातों में एंड करके दिखाएंगे. वी डू बिलीव इन हैविंग सम चेंजेस विच इज गुड फॉर यू, राइट. एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स, समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू टेल, के जेई आईआईटी की प्रिपरेशन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग अभी से एनटीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, और आपको पता है कि वेदांतु उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी करा रहा है उसके क्रैश कोर्सेज की हेल्प से. तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, लाइव क्रैश कोर्सेज है जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज सब कुछ पढ़ाया जाएगा. और इतने कॉन्फिडेंस से हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी हैव प्रूवन इन द लास्ट ईयर के पॉसिबल है बीइंग अ पार्ट ऑफ वेदांतु, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं एंड स्टूडेंट्स काइंड ऑफ बिलीव्ड इन दिस प्लेटफॉर्म और बिलीव्ड इन अस. तो आपके पास भी मौका है टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड से यस यू कैन डू इट. तो मुश्किल लगता है अंटिल इट्स डन, दिस इज योर टेक अवे.
सारी लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी, स्टेज वन स्टेज टू दोनों की, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और बहुत सारे पूरा का पूरा एनटीएससी लेवल के मॉक टेस्ट के आप कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। सारी क्लासेस जो आपको पढ़ाई जाएगी उसकी आपकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और एक क्लासिक प्लान है तो आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा इन क्लास आउटसाइड द क्लास एज वेल। डाउट आपके थ्रू आप अपने डाउट भी पूछ पाओगे, अनलिमिटेड डाउट वेदांतुस ऐप पे पोस्ट क्लास, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो डाउट तो तभी आते हैं, है ना। सारे एनटीएससी पेपर के इन डेप्थ सोल्यूशन भी मिलेंगे, क्योंकि आपको होता है कि मैम पिछले 5 साल के पेपर से ना बहुत आइडिया लग जाएगा, देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका सोल्यूशन मिल जाए तो और अच्छा बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। पॉसिबल है विद ऑल द की कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज के चीट शीट मिल जाए, है ना। कभी कभी क्विकली रिवाइज करना हो टेस्ट देने से पहले, मेन मेन कॉन्सेप्ट के समरी मिल जाए क्लास रिकॉर्डिंग के थ्रू, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे सुबह के 5 बजे हो, यू कैन रिवाइज एनी टाइम एनी वेयर। नेट कनेक्शन जरूरी है, दैट्स ट्रू, ठीक है। और कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है इस वीडियो का, वहां पे एनटीएससी क्रैश कोर्स का लिंक गिवन है, उसको ओपन करके जस्ट ट्राई टू अप्लाई कोड एजी प्रो, क्योंकि एजी प्रो लगाने से डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट पसंद है ना मुझे, मिलता तो मैं तो पसंद होता, मुझे भी अच्छा लगता, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, प्लीज डू शेयर योर फीडबैक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए विद आर बेस्ट पॉसिबिलिटीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, इट्स योर वे टू शो अप्रिशिएशन एंड काइंड ऑफ लव, ठीक है। तो उसका मैं वेट करूंगी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल आई डी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इसी के साथ आज की क्लास का टेक अवे यही है, कुछ ज्यादा ही टेक अवे बोल दिया उसके लिए सॉरी, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हास्ता ला विस्ता, बाय बाय।